Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, पहले रामपुर शहर और अब श्वार विधानसभा सीट भी सत्ता दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के हाथों से भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। भाजपा ने अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी पर दाव खेलकर आजम खान का आखिरी किला को भी ढहा दिया है। यहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम लगातार दो बार रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए थे। रामपुर में आजम और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पर्याय है, या यूं कहें कि यहां के सपा के ही आजम और आजम खान के सपा के प्रत्याशी थे। सपा के प्रत्याशियों को चयन से लेकर अंदरूनी तमाम मामलों में रामपुर में आजम खान का निर्णय ही समाजवादी पार्टी में शर्मान रहता है। यहां प्रत्याशियों का ऐलान हमेशा ही आजम खान करते हैं, लेकिन सूबे में योगी सरकार आने के बाद से मुश्किलों में घिरे आजम खान का सियासी रसूख तो कमजोर पड़ा ही, सियासी किला भी एक एक करके ढह गया है। आजम खान खुद 2019 में रामपुर के सांसद चुने गए थे, लेकिन आजम के इस्तीफा के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी सांसद बन गए। आजम को करारा झटका मिला। इसके बाद सजायाफ्ता होने पर आजम खान की विधायकी भी चली गई। बीते वर्ष नवंबर दिसंबर में हुए उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने आजम खान का दुर्ग ढहा कर पहली बार रामपुर की पथरीली जमीन पर कमल खिला दिया। इसके बाद मुरादाबाद के चर्चित छजलैट प्रकरण में अब्दुल्ला आजम सजायाफ्ता हो गए। लिहाजा स्वार सीट भी उपचुनाव हुआ तो सत्ता दल ने मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी पर दाव लगाया और आजम खान का अंतिम दुर्ग भी ढहा दिया। मालूम हो कि स्वार सीट लगातार दो बार से समाजवादी पार्टी के पास थी। दो बार लगातार जीते थे अब्दुल्ला आजम। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट से लगातार दो बार विजयी हुए थे। वह सबसे पहले 2017 में विधायक चुने गए थे, लेकिन 16 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने कम उम्र में चुनाव लड़ने का दोषी ठहराते हुए अब्दुल्ला का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद 2022 में हुए चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम पर दाव खेला। इस बार भी अब्दुल्ला ने जीत दर्ज कराई, लेकिन मुरादाबाद के MP MLA कोर्ट से सजा होने के बाद दोबारा अब्दुल्ला की विधायकी चली गई। स्वार को रास नहीं आई समाजवादी पार्टी। स्वार विधानसभा सीट पर तीन बार सपा विजय हुई, लेकिन तीनों बार ही सपा के विधायक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। वर्ष 2007 में नवाब काजिम अली खां सपा के टिकट पर यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन सपा सूबे में बसपा के सरकार आने पर उन्होंने सपा से त्यागपत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़े। इसके बाद 2017 और 2022 में दोबारा अब्दुल्ला विधायक बने, लेकिन वह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के किला के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के किला को भी ढहा दिया है। तो एक बड़ी खबर थी। बाकी इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।